पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। बात पीहू की है, मासूम बच्ची की। जिसे अपनी माँ की सच्चाई नहीं पता, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। कितना जहर है तुम्हारे अंदर राम, और यही जहर तुम लोगों के रिश्तों में घोलने की कोशिश करते हो। सारा को ईशान से, एक मां को अपने बेटे से लीगली सेपरेट करने की कोशिश करते हो तुम। वाह, क्रिश सारा और ईशान की लीगल सेपरेशन की बात कर रहा है, पर ये बात इसे कैसे पता चली? क्या बोला इसने, ये क्या बोल रहा है, कौन से पेपर्स की बात कर रहा है? आई हैव नो आइडिया यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई डोंट केयर, वो वीडियो डिलीट कराओ। मैंने उसे अपलोड नहीं किया, डोंट यू केयर इट। Yeah, I get it. I get it कि अब तुमने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है। एक सेकेंड, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि दोस्ती के आड़ में धोखा देना मेरी फितरत में नहीं है। अच्छा, लेकिन वो मिनिस्टर तो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, it's not my concern. That should be your prior concern at the moment, Mr. Ram Kapoor. कि अगर वो वीडियो डिलीट नहीं हुआ तो मजबूरन मुझे वो कदम उठाना पड़ेगा जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। I'm going to see this one last time. हम में से किसी ने वो वीडियो अपलोड नहीं किया। Do you get it? बात समझ में आई? अपनी ये दुकान है ना, इन्वेस्टिगेशन की कहीं और खोलना, okay? प्रॉक्सी सर्वर तुम्हारे ऑफिस का है। मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करके आया हूं मिस्टर कपूर। यस, योर कंपनी एड्रेस। अब एक घंटा है तुम्हारे पास उस वीडियो को डिलीट करवाने के लिए। एक घंटे के बाद मैं फिर से आऊंगा, और इस बार मैं अकेले नहीं आऊंगा मिस्टर कपूर, पुलिस को अपने साथ लेकर आऊंगा। ये तुम लोगों का प्लान है ना? मेरे मना करने के बावजूद हम क्या कह रहे हैं? हाँ, ये ऐसा क्यों करेंगे? नहीं, इन्होंने ही किया है, इन्होंने किया है। तुमने सुना ना कृष्ण ने क्या कहा, कि वीडियो हमारे ऑफिस के सर्वर से अपलोड हुआ है, और जब मैं ऑफिस गई थी तब ये सारे लोग प्लान कर रहे थे प्रिया को मिनिस्टर के पास कैसे भेजा जाए ताकि तुम्हारी इमेज क्लियर कर सके। यस और नो? एक मिनट विक्रांत, कहीं ये तुमने तो नहीं किया है अपनी फियांसे सारा को इंप्रेस करने के लिए? नहीं नहीं आंटी, वी कैसा कर ही नहीं सकता है। तो फिर तुमने किया है? मैं... मुझे एक बात बताओ विक्रांत, प्रिया उस रेस्टोरेंट में कैसे पहुंच गई जहां राम और वेदिका थे? वो महज एक कोइंसिडेंस था। तो कैसा कोइंसिडेंस? हम सब जानते हैं कि प्रिया कोई फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं जाती। इसका मतलब तुमने सारा को कहा और सारा ने प्रिया को कहा, क्योंकि सारा चाहती है कि प्रिया फिर से इस घर में वापस आ जाए। यस! क्या कह रही है आप? हम जस्ट काम डाउन, ऐसा नहीं है। नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू काम डाउन नाउ। मेरे दोस्त हैं ये। हाँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं, दुश्मनों की तो जरूरत ही नहीं है। जब ऐसे दोस्त होंगे तो पूछो इनसे, चुप क्यों है ये? ठीक है, मैं गलत हो सकती हूँ, तुम पूछो, पूछो। आदि विकी, चुप क्यों हो, बताओ ना, अगर कुछ जानते हो जिस से मैन कम ऑन। वेरी गुड, इनकी खामोशी सब कुछ कह रही है। ये दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अपनी आंखें खोलो राम, ये दोनों तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं है। मुश्किलों के बाद तुम यहां तक पहुंचे हो, और फिर वो श्राप इस घर में फिर से लौट आएगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं कह रही हूं राम, आज के बाद इन सबके साथ तुम कोई रिश्ता नहीं रखोगे, ना पर्सनली ना प्रोफेशनली।
क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें चुनना होगा राम, तुम्हारी दोस्ती या मैं और शुभ। ओम, हम लोग आराम से बैठकर बात करते हैं, ये लोग मेरे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। वी कैन आदि दे आर लाइक माय ब्रदर्स। और मैं कौन हूं? तुम्हारी सौतेली माँ। क्या कह रही हैं आप? यस, सही कह रही हूं मैं। राम, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के इतने करीब आ गए थे, इतने, और फिर सडनली अचानक प्रिया आ जाती है। कहां से? रेस्टोरेंट में भी थी, वीडियो में भी थी, और इन दोनों के अलावा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। आदि ही विक, तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो यार? मॉम का डाउट क्लियर करो ना, जस्ट से समथिंग, जस्ट से इट। कह दो कि तुम दोनों ने ये नहीं किया है। किया है। किया है भाई। शुभ, प्लीज नाउ यू डोंट स्टार्ट दिस। ओके, स्टार्ट तो इन्होंने किया। राम और प्रिया को मिलाने का कैंपेन, इजंट इट? ये कर रहे थे तुम दोनों बेकरी में, है ना? यस। राम, शुभम इज राइट। और ये सारी बातें वहीं डिस्कस हुई थी, क्या करना है, कैसे करना है। ये सारी प्लानिंग होने के बाद ही ये वीडियो भी वहीं से लीक हुआ था, है ना आदि? यस। क्या तुम दोनों ने ये सब? What? No. वो जिस इंसान का नाम चाहिए जिसने ये किया है। You have got only half an hour, boss. I need to know, please. मैं पता लगा के रहूंगा कि ये किसने किया है। इतने सालों बाद तुम वापस आई हो, और मुझे लगा कि या तो मैं तुम्हारे यहाँ रुकने की वजह बन जाऊंगा, या फिर तुम्हारे साथ ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। बहुत हो गया, बहुत इंतजार कर लिया मैंने तुम्हारा। बोल, कुछ पता चला? व्हाट? कौन? सैंडी के कंप्यूटर से? ओ ठीक है, थैंक यू। सारा से बात करनी होगी। ईशान, इट वॉज मी, प्लीज आप किसको बताना मत। पर क्यों? Why would you do this? सिर्फ आप ही जानते हो, प्रिया मासी ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सारा ब्लेम अपने सर ले लिया। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।